गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने एक नए सर हैं जो कि आपको क्लास टेंथ का एनसीईआरटी पैटर्न का कंप्लीट क्रैश कोर्स करवाएंगे। क्रैश कोर्स मतलब आपकी जो टेंथ की एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में, विशेषकर यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका है ये। अगर वो बहुत कम पढ़े हैं मैथ में तो मात्र 15 दिन में वो पास होने का एक अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, अगर सभी क्लास ध्यान से देख लेंगे मात्र 15 दिन तक, ठीक ना। और दूसरा नंबर, ये क्लास एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी, तो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, सभी के लिए क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम होंगे, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। अगर आप हिंदी में समझ सकते हैं तो सीबीएसई वालों के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा आपका बिहार बोर्ड है या छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, कोई भी बोर्ड है, तो जहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न लागू है हर जगह के लिए, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो छात्र छात्राएं मैथ सीखना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, हर दिन सुबह 7 बजे से, कितना बजे से आएंगे, 7 बजे से। और जो आपका रेगुलर क्लास चल रहा था 8 बजे से टेंथ का, वो चलता रहेगा। चैनल का नाम होगा PBR Study 3.0। सर थोड़ा उधर चलिएगा, PBR Study 3.0। PBR Study प्रयागराज पर आप अगर अभी इसे देख रहे हैं तो PBR Study 3.0 यूट्यूब में सर्च कर लेना, उसी पर सारी क्लासें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर साथियों, सर आपको आगे पढ़ाएंगे, अपना कमेंट करिएगा जैसे भी लगेगा आपको। हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार, मैं आपको आज प्रायिकता बताएंगे। जैसे सर ने बताया कि हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो इस छोटे से समय में हम आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हर सब्जेक्ट मैथ की पूरी तैयारी कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। प्रायिकता, प्रायिकता जो पूछा जाता है स्टूडेंट, वो 4 तरीकों से पूछा जाता है। पहला, बेस जो बनाता है वो सिक्कों पर आधारित होता है। दूसरा, पांसे पर आधारित। तीसरा, ताश के पत्तों पर आधारित। और चौथा, अन्य वस्तुओं। अन्य वस्तुओं में आ जाता है जैसे गोली हुआ, गेंद हुआ, ऐसे ऐसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इन सब पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अन्य वस्तुओं पर आधारित प्रश्न में आते हैं। तो हम चलते हैं, पहला टॉपिक उठाते हैं क्या, सिक्कों पर आधारित। तो सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप जानते हैं कि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। सिक्के में जो होते हैं वो 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं, 2। पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हिंदी में इसको कहते हैं चित और इसको कहते हैं पट। तो जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं में से पूछा जाता है। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला गया, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता बताइए, हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो सिक्के में कुल कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल है। यदि आप सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 1/2। दूसरा, सिक्कों पर जब 2 सिक्का एक बार उछाला जाए, चाहे 2 सिक्का एक साथ उछालो, चाहे 1 सिक्का 2 बार उछालो, दोनों का बात बराबर है। तो जब कोई सिक्का जितनी बार उछाला जाता है तो उसके कुल स्थिति कितनी होगी। जैसे सिक्का है, 2 सिक्के को हम क्या कर रहे हैं, एक बार उछाल रहे हैं, तब स्थिति बनेगी 2 की पावर 2, अर्थात कुल क्या होगी, 4 होगी। अर्थात जितनी उसकी क्या होगी, सतह होगी, उस सतह पे उसके उछाल की पावर, जितनी सतह होगी उस सतह पर उसके उछाल की पावर ही हमारी क्या बनती है, कुल स्थिति बनती है। कुल स्थिति बनेगी सतह कि पावर उछालों की संख्या, सतह की पावर उछालों की संख्या, ये हमारी कुल स्थिति बन जाएगी। चाहे वो सिक्के पर हो चाहे पांसे पर हो, दोनों के लिए ये होता है। जैसे पांसे में कहा जाए कि कोई पांसा 2 बार फेंका गया तो उसमें कुल कितनी स्थितियां होंगी। तो कोई पांसा 2 बार फेंका गया
तो एक पासे में हम जानते हैं कि छह सतह होती है, एक पासे में छह सतह होती है, तो दो बार फेंका जा रहा है तो हो जाएगा छह की पावर, कितनी बार फेंका उछाला गया, दो बार, तो छह छंग 36, ये हमारी कुल स्थिति हो जाएगी। अब आते हैं पासे पर आधारित, तो पासे पर आधारित तभी भी पता है, पासे में छह सतहें होती हैं, पासे में सतह बराबर छह, जब पासे में छह सतह होती है तो हम इस पासे को अगर एक बार उछालते हैं तो उसमें कुल स्थिति छह बनेगी, कुल स्थिति बनेगी छह, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि सतहों की सतह पावर उछालों की संख्या, तो एक बार उछाल रहे हैं तो पावर एक होगा, तो इसकी कुल स्थिति क्या बनेगी छह। यदि पासा दो बार उछाला जा रहा है तो दो की छह की पावर दो, छह छंग 36, यदि पासा तीन बार उछाला जा रहा है तो छः की पावर तीन, 216, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया क्या पासे में कुल स्थिति। तीसरी कंडीशन बनती है ताश के पत्तों पर आधारित, तो ताश के पत्तों पर आधारित जो कंडीशन बनती है उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि ताश के बारे में हम जान लें पहले कि इसमें क्या होता और कितने होते हैं। तो ताश में जो है ये सब जानते हैं कि 52 पत्ते होते हैं, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं 52। इन 52 पत्तों में पान का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, चिड़ी का होता है और हुकुम का होता है, पान का, ईंट का, चिड़ी का और हुकुम का। इन दोनों पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं लाल रंग के होते हैं, और चिड़ी और हुकुम के जो पत्ते होते हैं काले रंग के। पान ईंट के पत्ते लाल रंग के, चिड़ी और हुकुम के पत्ते काले रंग के। और इसमें क्या होता है, इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है। तो पान का जो पत्ता होता है उसके भी एक इक्के, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। ईंट का जो पत्ता होता है उस पर भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। चिड़ी का जो पत्ता होता है उसमें एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। हुकुम का जो होता है उसमें भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि जो प्रश्न हमारे बनते हैं वो इन्हीं पर आधारित बनते हैं। पूछ लेगा कि किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृश्यता निकाला गया, बताइए वह पत्ता इक्के का है। फिर ऐसे पूछेगा किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता गिर गया, बताइए कि वह पत्ता काले रंग का है। हमें क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृश्यता निकाला गया, बताइए कि वह पत्ता हुकुम का था, वह पत्ता हुकुम का था। तो हम जो है इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने बताया अभी कि इक्के के अगर कुल देखा जाए तो कितने पत्ते हैं, चार पत्ते, इक्के के चार पत्ते, बादशाह के भी चार पत्ते, बेगम के भी चार पत्ते और गुलाम के भी चार पत्ते। अगर पूछा जाए यदि किसी ताश की गड्डी से यदृच्छता एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता बताइए कि वह पत्ता हुकुम का इक्का है। अगर सिर्फ कहे हुकुम का इक्का तो हुकुम के एक इक्का होता है, हुकुम का एक इक्का होता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। क्यों ये होता है, तो इससे पहले लिख लो प्रायिकता बराबर होता है, सूत्र होता है प्रायिकता बराबर
संभव स्थिति बटे कुल स्थितियां। संभव स्थितियां बटे कुल स्थितियां। संभव स्थिति क्या होती है? संभव स्थिति वही स्थिति होगी जिसकी संभावना बनेगी। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला गया तो पत्ता बताइए कि इक्के का है, तो यहाँ पर चार संभव स्थिति बन सकती है। वह पत्ता या तो पान का हो सकता है, या तो ईंट का हो सकता है, या तो चिड़ी का हो सकता है, या तो हुक्म का। तो यहाँ पर चार संभव स्थितियाँ बन रही हैं, तो यही हमारी क्या है? संभव स्थिति। और कुल स्थिति क्या है? कुल स्थिति वो स्थितियाँ है जो पत्तों में होती है, अर्थात कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52 है। तो कुल स्थिति में क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। लाल रंग पूछेगा, प्रायिकता बताइए कि लाल रंग के पत्ते, तो लाल रंग के कुल कितने पत्ते हैं? पान के भी पत्ते लाल रंग के होते हैं, ईंट के पत्ते भी लाल रंग के होते हैं। तो पान के पत्ते 13 हैं, ईंट के पत्ते 13 हैं, 13 दूनी 26 पत्ते हो गए लाल रंग के। कितने पत्ते? 26। चिड़ी के भी 13 हैं और हुकुम के भी 13 हैं, तो काले रंग के होते हैं दोनों, तो काले रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? 26 हो गए। ये हमारे हो गया पांसा, ओ ताश की गड्डी पर। इसके अलावा जो शेष पत्ते बचते हैं, इक्का बादशाह बेगम गुलाम के अलावा, दुक्की हो गई, तिक्की चौकी पंची छक्की सत्ती अट्ठी नौ और दहला, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। इसको सब जानते हैं, लेकिन ये किसी भी ताश गड्डी में एक एक सब होते हैं। तो इनसे अगर क्वेश्चन बना कि किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला गया, बताइए कि वह पत्ता पान का दुक्की है, तो पान का दुक्की, तो पान में एक ही दुक्की होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1/52 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चौथा था अन्य वस्तुओं पर आधारित। चौथा क्या था? अन्य वस्तुओं पर। अन्य वस्तुओं पर आधारित, अन्य वस्तुओं का मतलब वो जैसे गेंद पर आधारित, गोली पर आधारित, पेन पर आधारित आदि। ऐसी वस्तुओं पर आधारित पूछेगा, किसी थैली में 5 लाल रंग के और 3 काले रंग के गेंद हैं, 5 लाल रंग के और 3 काले, तो बताइए कि इस थैली में से यादृच्छिकता एक गेंद निकाली गई, वह गेंद लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो 5 ये है, 3 ये है, तो कुल गेंद कितनी हो गई थैली में? 5 3 8 गेंद। अब पूछ रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी, लाल वाली गेंद कितनी है? संभव स्थिति अनुकूल कितनी है? 5 है। अब कुल स्थिति कितनी है? 8 है, तो 5/8। ऐसे गोली पर पूछेगा और ऐसे पेन पर। तो इसमें इसको हम प्रश्न में देखते हैं कि कैसे वहाँ प्रश्नावली 15 का ए। पहला क्वेश्चन है उस बुक की, कह रहा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता पूछा है। किसकी पूछा है? न होने की। तो हम यहाँ सूत्र होता है कि यदि कोई घटना ए है, ए के लिए घटित ना होने की प्रायिकता होती पी ए नहीं बराबर 1 - PA, अर्थात प्रायिकता जिस घटित जिसका हो रहा है उसकी प्रायिकता
एक में घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। यहाँ क्या होता है, वही चीज़ है, चाहे ऐसे लिखो ए नहीं लिखो, चाहे ए डैश लिखो, चाहे ए बार लिखो, तीनों का मतलब एक ही है कि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो हमें यहाँ पर दिया क्या है, घटित होने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। तो हल करते हैं सवाल, घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो प्रायिकता E बराबर 1/2। पूछा क्या है, प्रायिकता E डैश अर्थात ना घटित होने की, तो सूत्र अभी लिखे थे कि प्रायिकता E डैश बराबर होता है 1 - प्रायिकता E। तो इसको हल करेंगे तो क्या है, 1 - प्रायिकता E कितना है, 1/2 है घटित होने की प्रायिकता। तो हम इसको हल करेंगे तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि जानते हैं कि बटे में एक होता है, किसी भी संख्या के बटे में एक होता है, इसका एलसीएम मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, 1 × 2 = 2 काम वहाँ पर छोटा लिख दिए थे इसलिए आप लोग को छोटा दिख रहा था, इसलिए आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। प्रायिकता E डैश अर्थात नहीं के लिए क्या होता है, 1 - प्रायिकता होने के लिए, तो होने के लिए जो प्रायिकता दिया वो दिया है 1/2 दिया है, तो हो जाएगा प्रायिकता E डैश बराबर 1 - होने के लिए प्रायिकता क्या है, 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, ये जानते हैं कि किसी संख्या के बटे में एक होता है, किसी भी संख्या के बटे में क्या होता है, एक होता है, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 + 2 मिलेगा। अब इस एक से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और इस 2 का अंश में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 होगा, इस 2 से हर के 2 से इस हर में भाग करेंगे तो 2 + 2 कितनी बार गया, 1 बार, और उस 1 का हम अंश में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1। तो यहाँ पर आगे देखिए इधर, तो प्रायिकता E डैश बराबर क्या मिला, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और बटे में कितना है, 2 है, यही आंसर। दूसरा प्रश्न है, यदि प्रायिकता PE बराबर 0.05 है तो प्रायिकता E नहीं ज्ञात कीजिए, तो सूत्र क्या होता है, प्रायिकता E नहीं बराबर 1 - प्रायिकता E, यही होता है बच्चों। तो प्रायिकता E नहीं, अब प्रदिया क्या है, प्रायिकता E मालूम है, प्रायिकता E कितना है, 0.05 है, 0.05 उठाकर रख दो यहीं, तो हो जाएगा प्रायिकता E नहीं बराबर 1 - 0.05। तो प्रायिकता E नहीं इज इक्वल मिलेगा, घटाएंगे तो 0.95, कैसे, 1 में इसको घटा लेते हैं कितना है, 0.05 है, यहाँ से उधार जाएगा इसमें 10 होगा, ये इसको उधार देगा 10 होगा, यहाँ 9 बचा, इसके पास 10 हुआ, 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गए 9, ये इसको उधार दे चुका था इसलिए यहाँ क्या बचा, 0, और 0 में 0 गए 0। तो आंसर हमारा क्या मिला बच्चों, 0.95। प्रश्न अगला है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं, यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात क्या होगी, तो किसके, लड़की के, जो हमारा मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लो। करा एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है जिसमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं, और चुनना जिसको, वो लड़की को चुनना है, पहले और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं,
कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हैं 20। कक्षा में लड़कों की संख्या, कक्षा में लड़कों की संख्या 8। तो निकाल लेते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या, सूत्र होगा कितने, 20 लड़के हैं, 20 कुल हैं और 8 लड़के हैं, तो घटा देंगे 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या लड़कियां, तो बचेंगी 12 लड़कियां। तो प्रायिकता किसका पूछा है, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगा, होता है संभव स्थिति, संभव स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो संभव कितनी हो सकती है, 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियों में से किसी भी लड़की को आप चुन सकते हैं, इसलिए संभव स्थिति जो बनेगी हमारी बनेगी 12। तो 12 बटे कुल स्थिति, कुल कितने विद्यार्थी थे, 20 थे, तो बटे 20, इसको काट दो, कटेंगे 4 से, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, तो कितना आएगा 3/5। अगला प्रश्न है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हों, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो थैले में 3 लाल रंग की गेंद है और 5 काली रंग की, तो थैले में कुल गेंद, तो कुल गेंद हो जाएगी 3+5=8, 8 गेंदें थैले में थी। कौन सी गेंद निकालना है, लाल रंग की गेंद, तो लाल रंग की गेंद कितनी है, लाल रंग की गेंद कितनी है, 3। तो लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगा संभव स्थिति, संभव स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो लाल रंग की जो गेंद है उसकी जो संभावना है 3 गेंदें हैं, तो 3 गेंदों में से कोई एक गेंद ही निकलेगी, 3 के तीनों तो निकालना नहीं क्योंकि एक गेंद निकालना है, तो जो संभव स्थिति हमारी बन रही है वो कितनी बन रही है, 3 बन रही है, और कुल कितनी है, कुल 8 गेंदें हैं क्योंकि 3 लाल रंग की थी और 5 काले रंग की थी, तो कुल गेंदें थैले में 8 हैं और जो संभव स्थिति है वो कितनी है, 3 है, तो हो जाएगा 3/8। अगला प्रश्न कहता है कि पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता बताइए। तो पांच बिंदु का मतलब हुआ कि ऊपर संख्या 5 आने की प्रायिकता। तो पासे को जब फेंकोगे तो ये जानते हो कि जब पासे में 6 सतहें होती हैं और 6 सतहों पर 6 अंक होती है, एक सतह पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवे पर 5 और छठवें पे 6 अंक होता है। तो पासे में कुल सतह कितनी है, 6, या इसको कहो अंक,
पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6। तो अंक 5 आने की प्रायिकता, अंक 5 आने की प्रायिकता हो जाएगी, होता है संभव बटे कुल। तो संभव कितनी है? अंक 5 एक ही बार पासे में आएगा, दो बार तो आएगा नहीं, तो एक होता है, तो उसकी स्थिति क्या हुई? 1/6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को सिर्फ एक बार फेंका जा रहा है, कितनी बार? एक बार। जब पासे को एक बार फेंकोगे तो उसमें जो संभव स्थिति होगी वो क्या होगी? तो पासे को एक बार फेंकने पर संभव स्थिति क्या होगी? या तो एक आ सकता है, या दो, या तीन, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः, अर्थात इन्हीं 6 संख्याओं में से कोई एक संख्या हमें प्राप्त होगा। या तो एक प्राप्त होगा, या तो दो प्राप्त होगा, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, या तो 6 प्राप्त होगा। तो हमारी जो कुल स्थिति बन जाएगी, कुल स्थितियाँ क्या हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रश्न क्या कह रहा? पहला प्रश्न कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है कौन कौन से पासे में? 2 है, 3 है, 5 है। कौन होगी? 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1, 2, 3 अनुकूल बटे कुल 6, भाग करेंगे 3 × 3, 3 × 2 = 6, 1/2। दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो दूसरे के लिए 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 और 6 के बीच, इसके और इसके बीच कितनी संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है। कौन कौन सी हैं? 3, 4, 5। तो अब जब 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हुई? 3 संख्याएं, तो इनके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर 3/3, क्योंकि 3 संख्या है, 1, 2, 3, कुल कितनी? 6, तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, कितना होगा? 1/2। ये हमारे आंसर हुए। अगला प्रश्न क्या है? एक घटना के अनुकूल संयोगा अनुपात 3:5 हो, तो उसके घटने की प्रायिकता बताइए। अनुपात दिया है, मतलब कोई एक घटना है, उनका जो अनुपात है वो 3:5 के अनुपात में घटित हो रही हैं, तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी जो हमारा अनुपातों का योग होगा 3+5=8। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी, प्रायिकता बराबर होगा, पूछा है अनुकूल, तो अनुकूल के लिए क्या है पहला है? क्योंकि अगर कोई चीज़ होता है 3/2 के रूप का, तो जो हमारा ये क्या है 3, यही हमारा अनुकूल स्थिति होती है, तो और ये बटे वाला क्या होता है? प्रतिकूल। तो जो हमारा पूछा है कि अनुकूल स्थिति, तो अनुकूल के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 3/ कुल स्थिति कितनी है? 8। आंसर क्या मिलेगा? 3/8। अगर पूछता प्रतिकूल के लिए तो 5/8 होता। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों,
आज के क्लास में बस इतना ही। आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जिससे हमारा उत्साह बढ़े, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे क्या करिए, शेयर करिएगा। धन्यवाद।